पहला ओलंपिक खेल रही भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बुरघा ने इतिहास रच दिया है। 69 किलोग्राम की कैटेगरी में लवलीना ने पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जिसके साथ उन्होंने भारत का पदक पक्का कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना का सबसे बड़ा पंच। असम की बेटी ने ओलंपिक में देश के लिए पक्का किया दूसरा मेडल। सेमीफाइनल में एंट्री कर लवलीना ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक में पूर्वोत्तर की बेटियों का जलवा बरकरार है। मणिपुर की मीराबाई चानू के बाद अब असम की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक में मैच के साथ साथ सबका दिल जीत लिया। धमाकेदार प्रदर्शन के साथ टोक्यो ओलंपिक के 8वें दिन लवलीना महिला वेट वेल्टर के 69 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। असम की मुक्केबाज ने देश के लिए बेशक एक और पदक पक्का कर लिया है। शुक्रवार को ताइवान की चेन नियांग चिन को 4-1 से हराकर लवलीना ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले मंगलवार को मुक्केबाजी के 69 किलोग्राम स्पर्धा के हाई वोल्टेज बाउट में लवलीना ने जर्मनी के विश्व चैंपियन नेदिल एपेट्स को हराया था। अपनी जीत के बाद लवलीना ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनका फोकस बस सेमीफाइनल और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर है। लवलीना की खबर भाल भाले आसु मा देउता लोग कथा पाटिला ने नाय मा देउता लोग कथा पाटिलु কথা পাতিব কারণে ইমান পুয়াই নাই মানুহ ভিড় গোটে ঘরত গম পাইছি বিজি হয়ে আছে পুরা ফোন বিজি হয়ে আছে অল্প কথা পাতিলো মাত্র মই বাবা কৈছিলো যে ভয় কৰিব কারণে মানা কৰিছিলো ফ্রি থাকা মোৰ ওপৰ বিশ্বাস ৰাখা মই ভাল কৰিম ইমানে কৈছিলো যেতিয়াই মই বক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে অলিম্পিকত মই মেডেল লৈ অহা তাৰ কাৰণে মই বাকী বহুত বস্তু এৰি চলিছিলো যাতে মই অলিম্পিকত মেডেল লোৱাৰ পিছতহে মই সকলো বস্তু এনজয় কৰিম ভাবিছিলো গোল্ড দিয়ে বস মেডেল তো একই হতা হ্যায় গোল্ড দিয়ে হতা হ্যায় তো উসি কে লিয়ে আবি তৈয়ারি কৰনা হ্যায় মুঝে उनके पिता ने कहा कि लवलीना का गेम बेहतर होता नजर आ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि लवलीना गोल्ड मेडल के साथ ही घर लौटेगी। মই ভাল পাইছো আজি খেলখন কিন্তু তাই যোৱাবাৰৰ খেলখনকে আজি খেলখন বহুত উন্নত হৈছে বুলি মই গম পাইছো তেওঁ যিজন প্ৰথম কোচ আছিলে প্ৰশান্ত দাসে মোক কৈছে এইখনৰ দৰে যদি খেলে তাই নিশ্চিত ফাইনেল খেলতো তাই জিকিবগৈ মই আশা কৰিম তাই ফাইনেললৈকে যাওক অসমবাসীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আজি আমাৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পৰা আদি কৰি চাইকেল ৰেলী আপোনাৰ নামঘৰে নামঘৰে প্ৰাৰ্থনা যিখিনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তাৰ ভগৱানে চকু মেলি চাইছে বুলি মই আশা কৰিম সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। দুবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ মে পদক জিত চুকি লভলিনা অসম কি পহলে খিলাড়ী হোগি জিসনে দেশ কে লিয়ে অলিম্পিক মে মেডেল জিতা সাথ হি দেশ কে লিয়ে অলিম্পিক মে মেডেল হাসিল কৰনে ওয়ালি ও তিসরি ভারতীয় মুক্কেবাজ হোগি। इससे पहले विजेंदर सिंह ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक और मैरी कॉम ने 2012 लंदन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 अक्टूबर 1997 में गोलाघाट के धनश्री महकुमा में बरमुखिया गांव में लवलीना का जन्म हुआ। टीकेन और मामूनी बोरगोहाई के घर पैदा हुई लवलीना को 13 साल की उम्र में ही उनकी जुड़वा बहनों के साथ किक बॉक्सिंग सीखने के लिए भेजा गया था। लवलीना में बचपन से ही मुक्केबाजी का शौक दिखने लगा। दोनों बहनों ने जहां किक बॉक्सिंग में नेशनल लेवल खेल तक पहुंची, उस बीच लवलीना गेम बदलकर बॉक्सिंग रिंग में आ चुकी थी। जब लवलीना 9वीं क्लास में थी तब ही भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच की नजर उन पर पड़ी और वो बॉक्सिंग की दुनिया में उनके लिए अहम मोड़ साबित हुआ। लवलीना को 2012 में प्रसिद्ध कोच पदुम बोरा ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। बाद में उन्हें मुख्य महिला कोच शिव सिंह ने भी प्रशिक्षित किया। वर्ष 2020 में ही ओलंपिक के आयोजन को लेकर लवलीना पहले से ही तैयारी कर रही थी। पिछले साल जॉर्डन में आयोजित एशियन क्वालिफायर प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतकर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था।
इसके साथ ही वो ओलंपिक के लिए असम से चुने जाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। बात करें अगर लवलीना की उपलब्धियों की तो 2018 और 19 के आइबा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित पहले इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर गुवाहाटी में हुए दूसरे इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपको बता दें कि लवलीना शिव थापा के बाद राज्य की दूसरी बॉक्सिंग खिलाड़ी है जिसने देश का प्रतिनिधित्व किया है। लवलीना को साल 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड पाने वाली असम की छठी खिलाड़ी है। अब मुक्केबाज लवलीना का अगला मुकाबला टर्की की बी सुमनेला से 4 अगस्त को होगा। इस मैच में जीतने पर लवलीना अपने गोल्ड के साथ साथ सपने के एक और कदम आगे पहुंच चुकी होगी। नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम की तरफ से लवलीना को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। हरिद्वार असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी लवलीना की जीत पर उसे शुभकामनाएं दी। आमी सकलो अहोमर राइजे प्रार्थना करक लवलीना आज जिकार लगे लगे ब्रॉन्ज पाले किन्तु ब्रॉन्ज आमार लक्ष्य नहय हेकाने आज आनंद करिब नालागे आज लवलीनार कारणे प्रार्थना करिब लागे ताई जाते आमार माजले खुन लय उभति आहिब पारे एकाने मय देखिसु जे किसुमाने आज खूब आनंद करिसे आनंद करिब लागे কিন্তু ব্রঞ্জত আনন্দ নহয় আজি দিনটোত নেদেখাজনের ওসর বহুত প্রার্থনা করিব লাগে যে ব্রঞ্জটো পালোয়েই কিন্তু যাতে আমি সোণ পাও তার কারণে অহা 4 তারিখ আর 7 তারিখ এই গোটেই দিনকেটা যাতে অসমৰ রাইজে ৰাতিপুৱা গধূলি চাকি জ্বলাওতে লাভলিনার কারণে প্রার্থনা করে তাক মই অনুরোধ করি। और वही लवलीना की जीत पर टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए रजत पदक जीतने वाले मीराबाई चानू ने बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लवलीना को देश के लिए दूसरा पदक दिलाने पर बधाई दी। लवलीना आपने बहुत अच्छा खेला है, मैं चाहती हूँ आप भी और अच्छा खेले भारत की एक और ओलंपिक मेडल आपने दे तो मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन।